महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिनेन्द्र। दिवाली आ रही है, रविवार को है 2547वां मोक्ष कल्याणक महावीर स्वामी का। जी हाँ, रविवार को, शनिवार को नहीं। और उस दिन रविवार को चाहे पावापुरी में 4 बजे सुबह लड्डू चढ़ेगा, कहीं 5 बजे, कहीं 6 बजे, हर हर मंदिर की कमेटी की व्यवस्था के अनुसार आप भी चढ़ाएंगे, 24 दीपक जलाएंगे और शाम को घर घर पर पूजा होती है, मंदिरों में आरती होती है 25 दीपों के साथ। पर कुछ जैन बंधु लक्ष्मी गणेश को भी पूजा करते हैं, सिक्के भर के रख लेते हैं, नोट रख लेते हैं थालियों में। यह मिथ्यावाद का पोषक है। पर आचार्य श्री विद्यासागर जी के सुयोग के शिष्य मुनि श्री प्रलंब सागर जी कहते हैं, आप भी लक्ष्मी गणेश को पूज लीजिए। पर कौन से, जरा सुनते हैं उन्हीं से, लक्ष्मी गणेश कौन से। भगवान जिनेन्द्र देव की भक्ति करो। दीपावली के दिन आपको भगवान की भक्ति करना है, भगवान सुबह मोक्ष कल्याणक की भक्ति करना है, शाम को गढ़धर परमेष्ठी की भक्ति करना है। उन गढ़धर परमेष्ठी को ही हम गढ़धर भी कहते हैं और उन्हीं को हम गणेश जी भी कहते हैं। जैनियों के गणेश जी कौन से हैं? इंद्रभूति गौतम गढ़धर, जिन्हें भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के दिन ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। समझ आ रहा है? जब गणेश जी हैं आपके पास में तो लक्ष्मी जी भी आपके पास में होंगे ही, हैं कि नहीं? कौन सी लक्ष्मी है? जो हमारे अंदर ज्ञान है, ये ज्ञान ही पूर्ण रूप से विकसित हो जाए, यही सबसे बड़ी लक्ष्मी है, यही सबसे बड़ा वैभव है। क्योंकि लक्ष्मी किससे आती है? ज्ञान से आती है। समझ आ रहा है? जो लोग ज्ञान के माध्यम से लक्ष्मी प्राप्त करते हैं उनके पास लक्ष्मी हमेशा बनी रहती है, और जिनके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता है उनके पास लक्ष्मी आ भी जाती है और चली भी जाती है। दुनिया में बड़े बड़े कॉरपोरेट लेवल पर लोग काम करने वाले बड़े बड़े अरबपति लोगों के पास में भी लक्ष्मी कैसे रहती है? जब उनके पास अपना कोई ज्ञान होता है, अपनी बुद्धि होती है, तभी उनके पास में वो लक्ष्मी टिक पाती है। समझ आ रहा है? नहीं तो हर कोई दूसरी कंपनी वाला दूसरे पर अटैक करने को बैठा है। आदमी कैसे टिकता है? लक्ष्मी से नहीं टिकता है। किससे टिकता है? ज्ञान से टिकता है। ज्ञान अगर आपके पास में जितना बढ़ेगा उतनी आपके पास में लक्ष्मी बढ़े। केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की उपासना करो। प्रभु को मानते हैं, साधुओं को मानते हैं, गुरु को मानते हैं, पर हकीकत में उनकी नहीं मानते हैं। कई तो अपने को सम्यक दृष्टि भी कहते हैं, पर हकीकत में हम सब हैं मिथ्या दृष्टि। अपनी नजर में तो कहें तो गुरु की नजर में भी। सुनते हैं जरा उन्हीं से कि तुम यहां पर आकर के हमको चलाते हो, हमको हमारे सामने तो कुछ और बोलते हो, घर में जाकर के कुछ और करते हो, इसलिए मिथ्या दृष्टि हो। मिथ्या दृष्टि का मतलब झूठ बोलने वाला, मिथ्या बुद्धि रखने वाला, अपने अंदर गलत सोच रखने वाला। और ऐसा व्यक्ति जो गुरु के सामने भी झूठ बोल करके कुछ का कुछ कहे और कुछ का कुछ करे, जो लोग हमें धोखा नहीं देंगे, इन द सेंस हमारे सामने आकर के तो आप कहो कि नहीं महाराज, लक्ष्मी कौन सी है? केवल ज्ञान लक्ष्मी। हमारे गणेश जी कौन से हैं? गौतम गढ़धर। और घर में जाकर के, घर के कमरों के अंदर जाकर के, दुकान में जाकर के आप क्या करो? आपको केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजा करना आती है? आपको गौतम गढ़धर की पूजा करना आती है? नहीं करते। आपका जब तक इस तरीके का एक छिपाव दुराभाव रहेगा तब तक आपको सही ढंग से भक्ति का जो पुण्य मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। समझ आ रहा? क्योंकि भक्ति कहती है समर्पण होना चाहिए, और समर्पण कहता है एक तरफा होना चाहिए। समर्पण में हमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर समर्पण में संशय है तो भक्ति के फल नहीं मिलते। जहां व्यक्ति इस तरह से भक्ति करने में अपने को लीन करता है वहां फिर वह किसी और दूसरे संशय में पड़ता ही नहीं। कि अगर हमारे सामने भगवान केवल ज्ञान के रूप में हैं, हमारे सामने गौतम गढ़धर 48 प्रकार की रिद्धियों, 64 प्रकार की रिद्धियों से सहित हैं, तो हमें इससे बढ़कर के अब क्या चाहिए?